भारतीय रेल दुनिया के सबसे विशाल नेटवर्कों में से एक है। ये देश के हर कोने में रहने वाले लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग है और देश के दूर दराज हिस्सों तक भेजे जाने वाले माल भाड़े के लिए भी एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा है। हर दिन हर पल लाखों मुसाफिर रेलगाड़ी में सवार होते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, अपने प्रियजनों से मिलते हैं और इसी से लाखों टन माल पूरे देश में भेजा जाता है। यही लक्ष्य है भारतीय रेल का, लोगों को एक साथ लाना, पूरे देश में माल पहुंचाना, दिलों को जोड़ना और जिंदगियों को छूना। उसकी ये भूमिका 1853 से जारी है। अर्थव्यवस्था के तेज विकास और नए कारोबारी और औद्योगिक केंद्रों के पनपने के साथ साथ रेल नेटवर्क का तीव्र गति से विस्तार बहुत जरूरी है और इसके लिए चाहिए एक बड़ा बदलाव, एक नई सोच जो केंद्रित हो फंडिंग के नए मॉडलों पर, जिसमें अपनाई जाए पूरी दुनिया की बेहतरीन पद्धतियां और परियोजनाओं का कार्यान्वयन बेहद तेजी से कर सके। इन्हीं चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 15 अगस्त 2002 को राष्ट्रीय रेल विकास योजना की घोषणा की। रेल विकास निगम या RVNL का गठन 2003 में एक अम्ब्रेला स्पेशल पर्पस व्हीकल के तौर पर हुई थी, ताकि राष्ट्रीय रेल विकास योजना के तहत रेखांकित पहलों को मूर्त रूप दिया जा सके और एक नई नीति, एक नए नजरिए और एक नए रुख की तरफ तेजी से बढ़ा जा सके। RVNL का लक्ष्य है सबसे कार्यकुशल बुनियादी रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माणकर्ता के तौर पर उभरना, जिसका आर्थिक आधार मजबूत हो और वो समय पर परियोजनाओं को पूरा करने के लिए और निर्माण के लिए पूरी दुनिया में अपनाई जा रही आधुनिक पद्धतियों को अपनाए। RVNL का मुख्य उद्देश्य है रेल विकास के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना तथा विशाल एवं कॉम्प्लेक्स परियोजनाओं को समयबद्ध योजना के अनुसार कार्यान्वित करना, इनमें स्वर्णिम चतुर्भुज को मजबूत बनाना तथा पोर्ट संपर्क में विस्तार शामिल है। यानी कि RVNL की भूमिका किसी हाईटेक डेवलपर जैसी है। ये संगठन प्रोजेक्ट को विकसित करता है, नॉन बजटरी फंडिंग मुमकिन बनाता है, प्रोजेक्ट के लिए जरूरी वित्तीय संसाधनों को जुटाता है और भारतीय रेल की तरफ से प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए समकालीन ग्लोबल टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करता है। प्राइवेट सेक्टर के साथ तालमेल करना और प्रोजेक्ट्स का परिपालन और फंडिंग करने में भी इसकी भूमिका है। इनमें शामिल हैं कच्छ रेलवे, भारूच दहेज रेलवे कंपनी लिमिटेड, कृष्णापट्टनम रेलवे कंपनी लिमिटेड, हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड और अंगुल सुकिंदा रेलवे कंपनी लिमिटेड। ये रणनीति बेहद कामयाब रही है। अपने गठन के समय से RVNL अब तक 37 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को पूरा कर चुका है। इनमें दिल्ली और मथुरा और दिल्ली और अलीगढ़ के बीच तीसरी लाइन बिछाए जाना शामिल है, ताकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दाखिल होने और यहां से रवाना होने वाली रेलगाड़ियों की भीड़भाड़ कम की जा सके। तकरीबन 40 से ज्यादा परियोजनाओं पर तेज गति से काम चल रहा है। इनमें कोलकाता मेट्रो के विस्तार और ऋषिकेश कर्णप्रयाग की नई लाइन का काम शामिल है। एक जिम्मेदार कॉरपोरेट की तरह RVNL कई कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से जुड़ी पहलुओं को अंजाम देता है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा संबंधी सुविधाएं और शौचालय तथा पीने का साफ पानी पिछड़े इलाकों में रहने वाले जनजातीय लोगों को मुहैया कराने के प्रति केंद्रित है। रेल संबंधी बुनियादी सुविधाओं को नई ऊंचाइयों तक ले जाना,
प्रोजेक्ट प्रबंधन में बेहतरीन अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों को कार्यान्वित करना और इनोवेशन के जरिए गुणवत्ता सुधार कर भारतीय रेल को नई मंजिलों तक पहुंचाना, यही है लक्ष्य रेल विकास निगम लिमिटेड का।